हेलो हाय फ्रेंड्स, आज का जो प्रोग्राम आपके लिए लाए हैं वो लाए हैं ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स। आप देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बहुत ही जगह देखे होंगे, इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टल ओसिलेटर। ये क्रिस्टल ओसिलेटर किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से ये अपने अंदर से करंट फ्लो कराते हैं, ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो आप देखें ये क्लॉक का मतलब आपके घर पर जो घड़ी लगी होती है उसी का एक सर्किट है छोटा सा, उसके अंदर ये निकलता है। इसमें भी क्रिस्टल ओसिलेटर होता है। और ये भी आप देख रहे हैं, ये भी एक क्रिस्टल ओसिलेटर है। ये गोल भी हो सकता है, सर्कल में, ठीक है। ये सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के लिए काम में आता है, मतलब ये पीसीबी पे डायरेक्ट फिक्स हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी यही वाला है, ठीक है। तो किस प्रकार से काम करते हैं देख लेते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, क्रिस्टल ओसिलेटर के अंदर टू पिंस आप देख रहे हैं, सिंपल ये मार्कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये क्रिस्टल ओसिलेटर है, इसके अंदर टू पिन है, इसके अंदर प्लस माइनस आपको नहीं देखना है। तो इसका ये 12 मेगाहर्ट्ज का एक क्रिस्टल है। 12 मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि सपोज कीजिए आपने यहाँ पर एक डीसी करंट दिया, डीसी करंट आपका इस प्रकार से चलता है, ठीक है। ये डीसी करंट इस प्रकार से चलता है सीधा, और इसे आपने ये डीसी करंट आपने इस पर अप्लाई किया, तो इस साइड से ये डीसी करंट कुछ ऐसा निकलेगा, कुछ ऐसा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। कुछ ऐसा मतलब ओसिलेशन उस सिग्नल के अंदर ये प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे ओसिलेटर बोलते हैं। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर डायरेक्ट करंट जा रहा था लेकिन यहाँ पर कुछ एसी के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, थोड़ा एसी के ट्रिगरिंग के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इसका यही काम होता है। और देन उसके बाद ये एक आईसी को भेजता है। आईसी क्या करती है, आईसी सिग्नल को एम्पलीफाई करती है और इसे बड़े सिग्नल में निकालकर दूसरी आईसी या फिर उसी आईसी को देती है। उसी आईसी की कुछ पिंस होती है, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पूरा सिस्टम होता है उसी के अंदर होती है, और बिल्कुल ये ट्रिगरिंग का काम कराता है। जैसे कि 555 आईसी आपकी ट्रिगरिंग कराती है इस प्रकार से, तो वो इतनी स्पीड से नहीं करा सकती जितनी स्पीड से ये ट्रिगरिंग करा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये यूज होता है ट्रिगरिंग के लिए, ठीक है। तो शायद आपको क्लियर हुआ होगा किस प्रकार से ये डायरेक्ट सिग्नल को एक ट्रिगरिंग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बेसिकली यही काम होता है, इसे आप बोल सकते हैं ये डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अभी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये इस सिग्नल को इस प्रकार से कैसे करता है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, और ये इसका मेटल का यहाँ पर कुछ होता है, और यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक एक प्लेट लगी होती है, पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट देख रहे हैं आप, ये पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट है। जैसे ही आपने यहाँ पर करंट दिया तो यहाँ पर ये पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट में वाइब्रेट हो जाती है, इस प्रकार से ये ऊपर नीचे होती है, इस कारण से इसके अंदर टच होती रहती है। देखिए, सपोज कीजिए आपका जो क्रिस्टल है वो 12 मेगाहर्ट्ज का है, तो 12 मेगाहर्ट्ज का मतलब है ये एक सेकंड में 12 बार इसके अंदर टच होगी, ठीक है। यदि ज़्यादा का है, 32 का है, तो 32 बार टच होगी। तो इस प्रकार से ये टच होती रहती है, और आपका जो सिग्नल होगा, यहाँ जो डीसी करंट आपने इस टर्मिनल पर दिया होगा, वो कभी करंट होगा कभी नहीं होगा, इस प्रकार से यहाँ पर ये करंट जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से ये काम करता है आपका क्रिस्टल ओसिलेटर। अभी यदि चेक करने की बात करें तो चेक करने के लिए इसके अंदर आपको क्या करना होगा, इसके अंदर टू टर्मिनल्स होते हैं, ये टू टर्मिनल्स होते हैं आपके, और ये टर्मिनल्स आपको मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी पे टेस्ट करने हैं। यदि कंटिन्यूटी पे 1 ही आता है तो सही ही है दोनों पर, ठीक है। यहाँ पर भी आपने टच किया एक प्रोब और एक प्रोब यहाँ पर, यदि कंटिन्यूटी पे 1 आ रहा है, कोई बीप नहीं आ रही है, तो ये सही है। इस साइड से भी आपको चेंज करके देख लेना है, यदि बीप आ रही है तो ये ख़राब है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टल ओसिलेटर बहुत ही यूजफुल डिवाइस है, एक छोटा सा कंपोनेंट है, आपको ये इस प्रकार से भी मिल सकता है गोल, ठीक है, वो भी SMT कंपोनेंट में लगे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।